अस्सलाम वालेकुम, हाय व्हाट्सअप पेजी आदमी की हालचाल। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होते हैं। हाजिर हैं, पेश करते हैं आपके सामने ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो है तुम सॉन्ग। तो मुझे क्या पता भाई, मैंने वीडियो देखी हुई है, वीडियो देखते हैं बाकी की बातें बाद में। और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। अभी वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। Awesome speaking. आज हम जिस गाने का रिव्यू करेंगे, I'm very excited. उसका नाम है तुम सॉन्ग। लगाओ राजा जी, फिर जेड़ा नहीं तमाल पाएगा बड़ा होएगा। लाल शाबाज कलंदर है राजा जी, ये तो गलत गाना नहीं है, तुम सॉन्ग की बात कर रहा हूँ। अरे यार समो भाई सॉरी, वो ऑडियो दूसरी लग गई, मैं अभी लगाता हूँ। रे कॉपीराइट स्ट्राइक ना लग गया। रहने दे। तो जी गाने की शुरुआत में गाड़ी का दरवाजा खुलता है और काले फेस में आंखों को चुभने वाली गोरी टांगे बाहर आ जाती हैं, जिन्होंने समोसों के आकार वाली ही लाली जुत्ती पहनी होती है। बैकग्राउंड नॉलेज ये है कि आसिम भाई की महबूबा की डेनमार्क में सेटल्ड एक कजन के साथ शादी हो गई है, तो वो उसके गम में बार में बैठे हुए दारू पी रहे थे। एक गटका के बारटेंडर को बोलते हैं कि एक और दे भाई, तू मेरा भाई। तभी होती है अरिका हक की खलनायक वाली एंट्री। भाई साहब खलनायक हूँ मैं, राम जाने की तरह सर पे पट्टी बांध के फ्रेम में अचानक एंट्री मारते हैं आसिम भाई। मौका देख के चौका मारने के लिए अरिका आसिम के साथ बैठ जाती है और बैठते ही ऐसी लाइनें कराती है कि एक दफा लड़कों को भी शर्म आ जाए और वो अपना क्लीवेज ढकने लग जाए। फिर क्या, एक तो लड़का ऊपर से टल्ली तो पिघल जाता है और मजीद इम्प्रेस करने के लिए गाना गाना शुरू कर देता है। एक शॉट में अचानक कपड़ों समेत आसिम भाई टब में नहा रहे और पानी की बूंदे अपने बदन पे बिखेरते जा रहे हैं। लड़की तो गाने से शदीद इम्प्रेस हो जाती है, वो कहती है इतना अच्छा गाते हो, तुम टी सीरीज में क्यों नहीं ट्राई करते। इनकी सेटिंग वेटिंग हो जाती है और अरिका बंगाली बाबे की नशे वाली फक्की इसके ड्रिंक में डाल देती है और ड्रिंक स्वैप कर देती है। और प्लॉट ट्विस्ट, चीयर्स करने के बाद जब ये जान नोश फरमाते हैं तो आसिम भाई का गंदी एक्टिंग में सर चकराने लगता है और वो धड़म करके आगे ऐसे गिर जाते हैं जैसे जुरासिक पार्क में कोई जख्मी डायनासोर गिर गया। और फिर आता है गाने का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, उसका कोरस, जो कि तुम लग नहीं रहा बल्कि कोई विंडोज एक्सपी का एरर लग रहा है। तभी अरिका उसके जेब से पैसे चुरा लेती है और बार टेंडर उसको तिरछी स्माइल से देख रहा होता है। गर्ल आई नो व्हाट यू डिड देयर। लड़की गाड़ी की चाबी चक्के फरार हो जाती है और उधर आसिम भाई टू 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 करते रहते। जब होश आता है तो कंधे से डेंडर फटा के वो भी निकल लेते। शमून भाई उसी बंदी को सेवर पे पुलाव खिलाने ले जाते हैं कि वहाँ पे उनका हो जाता है चेस्ट वाली बोटी पे झगड़ा। अब आपको तो पता है कि मर्द को चेस्ट बहुत पसंद है, तो वो कहता भाई मैं शेयर नहीं कर रहा। मामला हीटअप हो जाता है। उसी वक्त अरिका फोन पे उबर रिक्शा मंगाती है कि भाई मैं जा रही हूँ। तभी अपना हीरो कहता है जानू टेंशन मत लो, ये लो मैं तुम्हारे लिए अनारकली से ईरानी याकूत वाली अंगूठी लेके आया हूँ, इसको पकड़ो और मुझसे शादी कर लो। ये बात सुन के अरिका हक बोलती है कि शमून व्हाट द फक, शादी, तुम शमून इस्माइल हो या शमून इदरीस हो, व्हाई आर यू फोर्सिंग मी ऑन, शादी कर लो। शादी कर ले। लड़की अपने रीजंस देती है कि अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, मुझे तो वीपीएन का अभी पता लगा है, मैं तो अभी इतनी छोटी हूँ, मैंने तो अभी नुसरत फतेह अली खान सुनना शुरू भी नहीं किया, अभी तो आइल्स का टेस्ट देना है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पे जर्मनी जाना है, वहाँ पे पढ़ाई मुकम्मल करनी है, क्यों मुझे बालिका वधू बनाना चाह रहे हो। जिस पे शमून भाई कहता है अभी भी तू रहने थे, पिछले 5 साल से 18वीं सालगिरह मनाई जा रही है और हर सालगिरह पे यही पूछते हैं हैप्पी बर्थडे कौन गाएगा। फिर शमून भाई उस लड़की को खर्चे और उसके लिए की गई ख्वारियां गिनवाते हैं कि जी याद करो हर महीने मैं तुम्हारे लिए सुपर कार्ड करा लिया करता था, तेरे भाइयों से तेरे लिए मैंने कुट भी खाई, उन्होंने जो मुझे मैदे पे लाते मारी उनका हिसाब कौन देगा। याद करो वो जमाना जब तुम वॉशरूम के एग्जॉस्ट फैन वाले जाले से हाथ निकालती थी और मैं गली में खड़ा हुआ तुम्हारे अब्बू से चोरी छुपे तुम्हें नया मोबाइल पकड़ा लिया करता था। कितनी ख्वारियां काटी है मैंने तुम्हारे लिए, अब तुम मुझे कह रहे हो कि मैंने तुमसे शादी नहीं करनी, क्या मसला क्या है मेरा, मैं एवरेज अच्छी नहीं दे रहा आजकल। मसला चल ही रहा था कि अमानुल्लाह गलत टेबल पे ऑर्डर लेके आ जाता है और देखता है कि भाई यहाँ पे तो कोई घर टूट रहा है। अरिका हक दूर फिट है, मुंह कहती है भाई, वो तब जाती है उठा के चॉपस्टिक मारती है, नैपकिन मारती है। शमून भाई इधर अपने लगे हुए के जा गोल्डगर जा, तुमसे प्यार नहीं करना, पोंपो पोंपो हो जा मेरी जिंदगी से। फिर दोबारा आता है कोरस और इस दफा आसिम भाई डांस भी कर रहे होते हैं। ये स्टेप मैं आपको डाइसेक्ट करके बताता हूँ, इजी है। आपने रोटी तवे पर रखने की तैयारी करनी है, फिर अचानक आपको याद आया कि अरे आप तो मिसोजिनिस्ट मर्द हो और ये तो आपका काम है ही नहीं। नहीं 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 आसिम आ जाता है फिर हर दोस्त की तरह के, मैंने कहा था ना तुझे, देखा काट के चली गई ना, मेरे साथ भी यही हुआ था, अब होश में आओ। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। उसी टेबल पे बॉयज पार्टी शुरू हो जाती है, अब रशियन बुलाने की प्लानिंग चल रही है और ये सुन के अमानुल्लाह भी पोंपो पोंपे झूम उठता है। अरे भाई तू किधर, बेगानी शादी में अमानुल्लाह दीवाना। पहली बार देखे कि दो दोस्तों का एक साथ कटने के बाद वो तीसरे को बोल रहे कि जा तू ट्राई मार ले, ये कैसे रकीब है और उससे ज्यादा ये कैसे दोस्त है। वो अब्बा नहीं कहते थे कि अगर तेरे दोस्त कुएं में कूदेंगे तो क्या तू भी कूदेगा, अगर दोस्त ऐसे होंगे ना तो वो कन्विंस कर ही देंगे। अरे यार
कितनी गहराई है, सर खुल जाएगा। फिर रामेश भाई अल्लाह चौक से कोई फूल पकड़ के लड़की की बालकनी पे वापडा वाली सीढ़ी रख के चढ़ने लग जाता है। अरिका भी कहती है जल्दी आ जाओ, इससे पहले मैंने जो अब्बे को नशे वाली गोली दी है उसका असर खत्म हो जाए, जल्दी आ जाओ। लेकिन नहीं भाई साहब, इधर सीढ़ी के एक एक कदम पे सकून से रैप करते हुए जा रही, और आते ही भाई साहब मुंह पे प्रपोजल दे मारते, और वो भी क्या के जेब हल्की है लेकिन हैप्पी एंडिंग करूंगा। बताओ भाई, आज के जमाने में कोई मुफ्त में धक्का भी देता है। लड़की इस फूल के बाद कोई कूल सा गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रही थी कि जी अभी दूसरी जेब से शनेल का परफ्यूम निकालेगा, लेकिन नहीं भाई साहब लेके आए तो 300 रुपए वाला इतर जो जुम्मे के बाद मिलता है। फिर क्या, फेंक दिया लड़की ने सस्ते तोहफे भी और लड़के को भी, ये कहते कहते के तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। रामेश भाई गिर गए अपनी नजरों से भी और लड़की का बालकनी से भी, लेकिन उनका हेयर स्टाइल खराब नहीं हुआ। ये होता है हाई प्रोडक्शन, जब पैसा लगाते हैं ऐसे ही होता है। जाते जाते आसिम और शमून को वसीयत भी कर जाते हैं। गोवा में सेंट सेबेस्टियन गार्डन में एक बड़े टपरियों के नीचे 10 करोड़ रुपए है। फिर बारी आती है अपने लड़के तला अंजुम की। एक मिनट, ये जो तला अंजुम और तला यूनिस मिल जाते हैं ना, ये जो दुगनी शक्ति बन जाते हैं, मोल्टन लावा केक और वनीला आइसक्रीम का जो कॉम्बो है, ये बड़ा खतरनाक है। मेरा रोस्ट एक दफा चलता है लोग भूल जाते हैं, आपका डिस्ट्रैक्ट अगर आपने बना दिया मेरे पे तो वो गाड़ियों में रिपीट होता रहेगा। मजाक कर रहा हूँ, पटी हुई है मेरी थोड़ी। फिर एक सीन आता है जिसमें अपना भाई लड़की से गिला शिकवा कर रहा होता है कि भाई तूने तो मुझे लूट लिया, तूने तो मुझे खोखला कर दिया, मैं वो बंदा था जो कुरकुरे खा के आखिरी मसाला भी चाट लिया करता था, तूने तो मुझे कर्जी बना दिया, मेरे पास कोई 21 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम नहीं है, ये जैकेट देख ले, अम्मी ने 9th क्लास में एक्सेल लेके दी थी कि बेटा जब बड़ा होगा तो पूरी आ जाएगी। अरिका को आ जाता गुस्सा, वो तलांजुम के सारे कपड़े उठा के भाई गली में फेंक देती है कि निकल जाओ मेरे घर से, उस घर से जिसका रेंट तुम देते हो। जिस पे तलांजुम भाई साहब रैपर एक एटीट्यूड होता ना, शॉर्ट हो जाते। अरिका उसका मोबाइल पकड़ के बाय बाय करके उसका मोबाइल भी गिरा देती है। अबे भाई रिश्ता टूट रहा था, टूटने दो, कोलैटरल डैमेज करने की क्या जरूरत है। फोन टूटने के बाद लड़के ने अपने दोस्तों को यही बोला होगा जो हर बंदा फोन टूटने के बाद बोलता है, अरे फोन टूटने का मसला नहीं है, उसमें डेटा बहुत कीमती था, ये झूठ है, फोन टूटने का भी बहुत दुख होता है। फिर क्या, हाथ बांध के तौबा कर दी अपने लड़के ने। उसी वक्त अरिका को मजीद गुस्सा आया और उसने हॉकी वाले माचिस से तला भाई के सारे कपड़े, वो कपड़े जो उन्होंने लंडे से चुन चुन के निकाले थे, जला डाले। और फिर उसके दोस्त जो हमेशा फिल्मों में पुलिस की तरह देर से आते हैं, आके यही कहते हैं मैंने कहा था ना काटेगी। देखा, फिर मेरे होश खता हो गए जब मैंने देखा कि वो जले हुए कपड़ों की आग पे ट्विस्टर जेली को बारबेक्यू करके खा रही। मुझे सीन समझ नहीं आया, अब क्या सीन है कि भाई लड़की तला अंजुम का बिना कपड़ों के काट के चली गई और उसी लड़की को तला यूनिस ने यस करा लिया। ये तो ब्रो कोड के सख्त खिलाफ है भाई, अपने दोस्त जिगर की एक्स गर्लफ्रेंड को आप गर्लफ्रेंड कैसे बना रहे हो। सीन शुरू होते ही तला यूनिस जॉइंट से ऐसा कंजर कश लगाते ना, पार्डन माई लैंग्वेज, लेकिन इस कश को बयान करने के लिए मेरे पास कोई और अल्फाज नहीं है। भाई साहब ने आलम धुआं धुआं कर दिया, गाड़ी में स्मोक बॉक्स बना दिया है, लड़की का दम घुट रहा है, अगले 10 सेकंड में अगर रोका नहीं तो लड़की के फेफड़े डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। लेकिन नहीं, भाई साहब फुल बॉप मार ले चल रहे, लड़की ने भी उसको नशेड़ी जान के इग्नोर कर दिया और अपना मैगजीन पढ़ने शुरू हो गई। खुले आम गाड़ी में मेथमफेटामिन रख के बंदा खड़ी हुई गाड़ी पे गेड़िया मार रहा है। शीशा नीचे करने के बाद अरिका को एक और मुर्गा नजर आता है, वो नए लड़के को देख के अरिका की नियत ऐसे 180 डिग्री घूम कि भाई इस बंदे का तो ऐसा काटूंगी कि ये सारी भैंसे जमीनें मेरे नाम कर देगा। अगले ने भी मर्द होने का पूरा सबूत दिया, वो जितनी गंदी नजरों से देख सकता था वो देखता है। अरिका तला यूनिस के मुंह पे मैगजीन मार के गाड़ी बदल देती है। ये सीन मैंने जैसे ही देखा मेरे दिल से एक चीज निकली, बदल लिया साला। लड़का उधर अपना फुल चिल है, ऐसा कश पे कश मारी जा रहा है कि एक दफा उसके अंदर की बॉडी कहती होगी कि भाई साहब या तो उधर धुआं कम भेजो या फिर कोई और जगह बताओ जहाँ से चिल। इसलिए है क्योंकि उसे पता है कि अगले का भी कटेगा, यानी कि अरिका हक ने इन सबको बता दिया कि उस पे किसी का हक नहीं है। आखिर में सारे लोंडे ब्रेकअप पार्टी करते हैं और आपस में ठान लेते हैं कि अब से लड़की का चक्कर में नहीं पड़ना, फलाह बहबूद का काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, ख्वाजा सरा के हुकूक पे बात करेंगे, एक्टिविस्ट बनेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे। और तभी वो जो गाड़ी में से गोरे पांव निकले थे वो सियाह लिबास में हसीना आहिस्ता आहिस्ता रिवील होती है, और जब तक उसका मुंह रिवील नहीं होता ऐसा लगता है फिल्म फेयर अवार्ड वाली मूर्ति चल के आ रही है। फिर पता लगता है अरे ये तो हानिया, मेरे सारे छड़े छाट पीछे इकट्ठे हो जाते हैं और इन सबको एक ही वक्त पे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और लिखा है टू बी कंटिन्यूड। अब ये नई लड़की इनका किस तरह से काटेगी जानने के लिए देखते रहिए, अभी यही गाना देखते रहिए क्योंकि जो उसका पार्ट आएगा दूसरा आपको पता लग जाएगा, इसका पार्ट दूसरा भी है। करते हैं अब, देखिए जी इंडस्ट्री बड़ी छोटी है, एक कोलैबोरेशन बनी है, हमें सपोर्ट करना चाहिए, तो मेरी तरफ से कोई हेट नहीं जाना चाहिए, ठीक है? हेट नहीं जाना, बिल्कुल सही कहना बंदा। तो मेरी तरफ से इन सब आर्टिस्टों को बहुत ज्यादा प्यार, हानिया अमर को थोड़ा ज्यादा क्योंकि वो क्यूट है, तो गाइज मेरी तरफ से कोई उधर हेट नहीं जाना चाहिए और मेरी तरफ भी नहीं आना चाहिए तो बड़ा अच्छा होगा। सब्सक्राइब 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 कर देना यार इसको।
हाय हाय, मैं कहता हूँ मेरे पास अल्फाज नहीं है बोलने के लिए भाई, अल्फाज नहीं है बोलने के लिए यार। इतनी मज़े का रोश किया ना भाई ने तुम सॉन्ग पर। ये सॉन्ग काफ़ी देर का, मेरे ख्याल 11 मंथ हो गए इस सॉन्ग को। तो मैंने कल देखा था कि ये सॉन्ग को क्या, मैंने देखा इसको रोश किसने किया हुआ है, तो देखा ये अभी देख रहा हूँ, कसम से इतना मज़ा आया। तुम मेरे बस में ना हो जाना। बाकी क्या बोलूँ यार, पर बोलने के लिए अल्फाज नहीं है मेरे पास यार। अगर आपको अच्छा लगा ना तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं बस। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। और बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।